नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत। राजस्थान में 31,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए जो रीट परीक्षा हुई थी, जिस तरीके से रिकॉर्ड 36 दिनों में उसका रिजल्ट जारी हुआ है, उसके बाद एक नया विवाद पैदा हो गया है। कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आखिरकार इतनी जल्दीबाजी क्या थी, जब इस मामले में 10 और 11 नवंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। SOG पेपर लीक होने मामले की ऑलरेडी जाँच कर रहा है, उसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी पकड़ से बाहर है। फिर जल्दीबाजी क्यों की गई? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि बधाई दी, और उसके बाद कहा कि जो नहीं सफल हो पाए हैं वो अगली परीक्षा के लिए तैयारी करें, एक परीक्षा के आधार पे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसी ट्वीट को रीट्वीट किया है शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं गोविंद सिंह डोटासरा ने, और वो भी यही बात बोल रहे हैं। तो सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इतनी जल्दीबाजी क्यों की गई है? क्या कहीं कुछ गड़बड़ है, या केंद्रीय एजेंसी के टेक ओवर करने का खतरा हो रहा था, या हाई कोर्ट के इसको रोकने का खतरा हो रहा था? क्यों इतनी जल्दीबाजी में किया गया? सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। रीट 2021 का रिजल्ट हाई कोर्ट केस में पेंडिंग रहने तक रोकने, केंद्रीय एजेंसी से जांच करवाने जैसी मांग वाली याचिकाएं पेंडिंग है। 10 और 11 नवंबर 2021 को इस पे सुनवाई होनी है। फिलहाल कोर्ट में दिवाली की छुट्टियां चल रही है, बेरोजगार एक्सपर्ट्स और केस लड़ रहे हैं। एडवोकेट को संदेह है कि रिजल्ट पर रोक लगाने की आशंका में सरकार ने जल्दीबाजी और हड़बड़ी में ये रिजल्ट जारी करवा दिया। BJP के सांसद हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, वो कह रहे हैं कि रीट भर्ती परीक्षा में बड़ा घपला हुआ है, पेपर लीक में सरकार की मिलीभगत है, इसलिए जल्दीबाजी में रिजल्ट जारी कर दिया गया। हाल ही में शिक्षा मंत्री ने 1.5 महीने बाद रिजल्ट जारी होगा ऐसा कहा था, लेकिन SOG और कोर्ट की परवाह नहीं की, केस सब ज्यूडिस होने के बावजूद परिणाम जारी कर दिया गया। ये राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष हैं उपेन यादव, उन्होंने ट्वीट किया है कि रीट का परिणाम करीब 1 महीने में ही जारी कर दिया गया। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018, पंचायती राज LDC सहित कई भर्तियों के परिणाम सालों से पेंडिंग चल रहे हैं। सरकार को CBI का इतना डर था तो कम से कम पेपर लीक के मुख्य आरोपी भजन लाल को पकड़ लेती, और उसके बाद रीट का पेपर खरीदने वाले अभ्यर्थियों को बाहर किया जाता, रीट में पदों की संख्या बढ़ाई जाती। हाई कोर्ट में याचिका लगाने वाले भागचंद शर्मा के एडवोकेट दिनेश कुमार गर्ग और दीपक कुमार कैन ने बताया है कि राजस्थान हाई कोर्ट में दिवाली की छुट्टियों के बाद 10-11 नवंबर को सुनवाई होनी है, और उस दौरान सरकार पे दबाव बनाया जाएगा। कोर्ट से ये मांग की जाएगी कि इसका एग्जीक्यूशन रोका जाए। सरकार को न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। याचिकाकर्ता के वकीलों को आशंका है कि इसीलिए जल्दीबाजी की गई है, और सरकार ने कई अधिकारियों कर्मचारियों को इसमें सस्पेंड किया था, फिर भी जल्दीबाजी में रिजल्ट जारी करना सवाल पैदा करता है। लिहाजा कोर्ट से मांग की जाएगी कि इसके एग्जीक्यूशन पर रोक लगाई जाए जब तक कि निष्पक्ष जाँच नहीं हो जाती। जैसा कि आपने सुना, लोगों के मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि जो भागचंद हैं, जो इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट गए हैं, उनके जो वकील हैं, जो अगली सुनवाई होने वाली है उस पे ये हाई कोर्ट से मांग करने जा रहे हैं कि इसके एग्जीक्यूशन पे रोक लगाई जाए, यानी रिजल्ट जारी किया गया है, अभी नियुक्ति न की जाए जब तक कि दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता है। देखते हैं आगे क्या होता है, जैसे कोई इसको लेकर के अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।